पार्ले जी बिस्किट की ऐसी रेसिपी जो आज से पहले ना तो आपने कभी खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी। बहुत झटपट से ये रेसिपी बनकर रेडी भी हो जाती है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है और घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। और अब हम बिस्किट को शेलो फ्राई करने वाले हैं, तो एक एक करके बिस्किट को इस तरह से इसमें पैन में अच्छे से इस तरह से रख देंगे और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आपको सिर्फ घी में ही बनाना है, तेल का यूज़ नहीं करना है। 3-4 मिनट हो चुके हैं और बिस्किट का कलर थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया है, तो इसे एक फोक की हेल्प से इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी साइड भी इसे हम डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिएगा 3-4 मिनट हो चुके हैं और बिस्किट दोनों साइड से अच्छे से शेलो फ्राई हो गए हैं, तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर से उसी पैन में थोड़ा सा घी ऐड करके सारे बिस्किट को और इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इनको थोड़ा डार्क होने तक हमें इस तरह से शेलो फ्राई कर लेना है। और ये शेलो फ्राई हो रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में एक बेल आइकन दी है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिएगा दोनों साइड से बिस्किट अच्छे से शेलो फ्राई हो गए हैं, तो इन सारे बिस्किट को हम इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे और अब इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और बिस्किट बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो हम अब किसी की हेल्प से इसे क्रश कर लेंगे। आप इसे जो है मिक्सी ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बस इसे आपको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। आपको इसे पल्स मोड पर इस तरह से बंद करके इस तरह से पीसना है। तो देखिएगा एकदम दानेदार टेक्सचर हमें चाहिएगा। तो ये रेडी है अब, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं 1/4 कप चीनी ऐड करूँगी और जितनी हमने चीनी ली थी उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स बिस्किट मीठे हैं तो हम इसमें ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कर रहे हैं और इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने देना है। तो देखिएगा चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है काजू का पाउडर, बादाम का पाउडर या ड्राई फ्रूट्स का पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिएगा अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिएगा इस स्टेप के लिए आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो बस हमें इसे अच्छे से इस तरह से इसके लम्ब्स नहीं रहने चाहिए और ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसमें हम बिस्किट वाला जो हमने पाउडर रेडी किया था उसे इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से 3-4 मिनट के लिए हमें इस तरह से चलाते जाना है। और अब हम गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और गैस के फ्लेम ऑफ करने के बाद अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच के करीब नारियल का बूरा ऐड करेंगे। फ्रेंड्स नारियल का बूरा डालने से बहुत ही टेस्टी बनकर ये डिश तैयार होगी। तो देखिएगा गैस का फ्लेम मैंने बंद कर रखा है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिएगा हम इसका मिल्क केक रेडी कर रहे हैं। तो देखिएगा मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर बनकर आता है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिएगा आपको मैं कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही दानेदार इसका टेक्सचर आया है और टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी जो है मिल्क केक बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।